दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइटकॉइन का। लाइटकॉइन में कैसा आपको अभी मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या इसका सपोर्ट जोन है, क्या इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। लाइटकॉइन पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट मंथ के बाद इसकी हाल्विंग होने वाली है, मतलब 2 से 3 अगस्त को इसकी हाल्विंग होगी। तो उससे पहले इसमें आपको बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है। इसका जो टारगेट है वो आपको $150 तक देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर आपने वीडियो को आप स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना है आपकी बाइंग कहाँ पर होगी, क्योंकि अगर अच्छी आपकी बाइंग होगी तभी आपका अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर यहाँ पे हम लाइटकॉइन के ओवरव्यू की बात करें तो इसकी रैंकिंग आपको 11 नंबर पे देखने को मिलता है। प्राइस की बात करें 86.3 के रेंज में आप देख सकते हैं, 1.7% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के फ्लक्चुएशन की बात करें तो इसका फ्लक्चुएशन आपको 84 से लेके 87 के बीच में देखने को मिलता है। मार्केट कैप 6 बिलियन के ऊपर है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 508 मिलियन आपको देखने को मिलती है। 41% इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुई है। मतलब क्या है कि लास्ट टाइम हमारी जो बाइंग हुई थी वो $90 के रेंज में हुई थी, अभी इसका प्राइस $86 के रेंज में है। तो आप यहाँ पे भी अपनी एक पार्शियल एंट्री ले सकते हैं। अगर आपके पास $100 है तो आपने एक बार में ही अपना जो ट्रेड है वो नहीं लेना, आप यहाँ पर $20-$20 करके या फिर $30-$30 करके 3 पार्ट में या 4 पार्ट में अपनी ट्रेड लेंगे। अब अगर इसके हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो ये आपको 73 मिलियन देखने को मिलता है। 87% सप्लाई इसकी मार्केट में सर्कुलेट हो गई है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई आपको 84 मिलियन देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं लाइटकॉइन के बारे में तो आप कॉइन मार्केट कैप पे, कॉइन गीको पे विजिट कर सकते हैं और आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। आप इसके फंक्शन को रीड आउट कर सकते हैं, इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो अभी के डेट में लाइटकॉइन आपको बहुत सारे एक्सचेंज पे देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इसके पैटर्न को। तो दोस्त, आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम लाइटकॉइन का पेयर देख रहे हैं USDT के साथ। पहले हमने यहाँ 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के टाइम इंटरवल पर अगर इसके यहाँ पैटर्न की बात करें तो देखिए, आपको यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में होता क्या है कि जिस साइड से प्राइस आया होता है उसी साइड में आपको इसका जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। मतलब यहाँ हम रिकवरी देंगे, पर जरूरी होगा कि ये जो आप इसका रेजिस्टेंस जोन देख रहे हैं इसका ब्रेकआउट हो अच्छी वॉल्यूम के साथ, तब हमारा जो टारगेट होगा वो 120 का, 130 का और $150 का देखने को मिलेगा। और ये जो मूवमेंट का हम बात कर रहे हैं, ये मूवमेंट तब होगा जब इसकी हाल्विंग नज़दीक आएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या इसका प्राइस हाल्विंग के बाद ग्रोथ में जाएगा या उससे पहले होगा। तो देखिए, आपने इसके जो नियर अबाउट जाना है, मतलब जो 2-3 अगस्त को इसकी हालविंग है उसके नियर अबाउट जाके अपना टारगेट सेट करना है कि आपने अपना एग्जिट 120 पे लेना है या 150 पे लेना है। और जैसे ही आपका टारगेट हिट हो आपने अपना एग्जिट ले लेना है। अब अगर इसके हम करंट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बुल फ्लैग का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जब ये जो कैंडल्स हैं हमारी वो मूविंग एवरेज के टच में आएंगी तो आपको यहाँ रिकवरी देखने को मिलेगी। हमारी कैंडल्स अभी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि एक बुलिश ट्रेंड शो करता है। तो धीरे धीरे हम यहाँ पे अपने इस टारगेट के साइड में मूव होंगे। अब जिन लोगों ने इसको हाई रेंज में बाय किया है उनको भी अभी वेट करना है मार्केट में, जब उनकी रिकवरी देगा मार्केट तब अपना एग्जिट लेना है। किसी भी ट्रेड को लॉस में क्लोज नहीं करना होता। अब अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है कि एक रेंज में हम मूव हो रहे हैं और पैटर्न वहीं जो आपको 4 आवर पर देखने को मिला, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो यहाँ पर जब हम आए थे तब मैंने आपको बोला था कि ये इसका एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से रिकवरी होगी। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, यहाँ पे अपनी बाइंग करी है, वो अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। पर इससे पहले देखिए, जब मार्केट में फंड नहीं आया था तब हमने एक बाइंग अपनी यहाँ पे भी करी थी, जिसके साथ हमने यहाँ पे जो दूसरी बाइंग करके अपने बाइंग का एवरेज किया। अब धीरे धीरे जब हम इसी टारगेट के नियर अबाउट आएंगे तो हमारा अच्छा प्रॉफिट होगा। फर्दर मैंने आपको बता दिया कि ये बुलिश पैटर्न है। इसके थ्रू क्या होगा कि हम जाएंगे पहले अपने इस टारगेट के पास और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा आपने यहाँ पे रीटेस्ट पे भी अपनी एक एंट्री ले लेनी है। हमारा जो टारगेट है वो 120 का, 130 का और $150 का देखने को मिलेगा, जो कि सेफर साइड है। वैसे ये 200-250 के रेंज तक भी जा सकता है। अभी अगर यहाँ पे हम मार्केट में वॉल्यूम की बात करें तो आपको अभी बाइंग का वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है कि इसकी हाल्विंग आने वाली है, सभी लोगों को पता है कि इसका जो प्राइस है वो अच्छा रिटर्न देने वाला है, तो सब लोग यहाँ पे अपनी बाइंग करेंगे। पर आपको जैसे मैंने बताया कि 120, 130 और 150 पे जाके अपना प्रॉफिट बुक करना है ताकि आपका यहाँ पे लॉस ना हो और आप अच्छे प्राइस के साथ अपना एग्जिट ले पाएँ। तो होप आपको यहाँ अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आपने इसको टॉप रेंज में बाय किया है तब भी आप यहाँ पे होल्ड करें,
अगले जुलाई के लिए, तो मेक श्योर आप इसको अपने पास ही रखें। अगस्त में हम देखेंगे कि इसको सोल्ड करना है या अभी भी इसमें आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगा, हमारी होल्डिंग बनती है। तो अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है प्लीज वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।